1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर एक ऐसा वॉर है जिसका पीछे लक्ष्य था एक देश को जुल्म और जेनोसाइड से आजादी दिलाने का, जिसमें इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के मुक्ति भाइयों के साथ मिलकर के पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जंग लड़ी और बांग्लादेश को आजादी भी दिलाई। इस पर भारत ने एक मूवी बनाई है टीपा के नाम से, जिसका ट्रेलर मात्र ही अब तक रिलीज हुई है, लेकिन बस इस ट्रेलर को ही देखकर पाकिस्तान की आवाम की नींद उड़ गई और उन्हें ये सब याद आने लगा किस तरह से उनकी नंबर वन फौज अपने 93,000 फौजियों के साथ भारत के सामने सरेंडर होने पे मजबूर हो गए। जिस तरह से अब पाकिस्तान की आर्मी अफगान तालिबान और टीटीपी के सामने अपना हथियार डाल दिया है और अब टीटीपी बकायदा पाकिस्तान की आर्मी को डरा धमका कर अपनी बात मनवा रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का 1971 एक मौका पर जो कि इंडिया की तरफ से एक मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया जो कि हमें 1971 की याद दिलाती है। चीन हमारा यार है और दीपक अपना उससे क्या क्या है अपना समुद्रों से गहरी और हमालिया से बुलाता क्या किया उसने? हमें सऊदी अरब पैसे देगा, हमें जो है वो चीन पैसे देगा, हमें जो है वो IMF पैसे देगा और आज हम ये फैसला करने में मजबूर हो चुके हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट अनाउंस कर दिया जाए या फिर ना किया जाए। हम तबाह हो गए, हमारा सत्यानाश हो गया। ऐसे बहुत से क्लिप देखने को मिलते हैं जब कोई इंसान कुछ कर ना सकता हो तो वो ये फजूल याद ही करता है। और जो वजीर अजम साहब है उनके जो वादे इधर हम याद करवा दे जो वफा ही नहीं हो रहे हैं। केशव जी ना ऐसे करके निकालना बेटा, ये तो यार आप लोग करते हो, फिर बोलते हो हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता। केशव तुम लोगों से निकलती नहीं है और बोल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर बुलाएंगे। वजीर अजम साहब मैं आपसे जरा मुखातिब हूँ, आपको बस ये याद करवाना चाहते हैं हम कि आपने फॉर्म से वादा किया था कि आप अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे, मगर ना आपने कपड़े बेचे ना आटा सस्ता हुआ। फिर हम क्यों कहते हैं कि हम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि 75 साल पहले मिला था, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा, हम लोगों को आंखें खोलने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ 75 सालों से आंखें बंद करके सिर्फ अंधे बन के चल रहे हैं, चलिए सही है सही है, लेकिन हुकूमत अफगान भाइयों के दिल जीत लेने की मुहिम पर है, मिशन जीत लो दिल अफगानियों के। अफगान भाई अपने ही भाइयों के खून पर बल्कि खून नाहक पर तुले हुए हैं, उनकी तरफ से दरअंदाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से भरा हुआ आता हूँ मैं, यकीन करो यहाँ तक आया हूँ सड़क पे, गाड़ी चलाता हुआ भगाता हुआ, एक मुस्कुराता चेहरा नहीं दिखा। मैं भी परेशान, लोग भी परेशान, महंगाई की वजह से, टेंशनों की वजह से। ये तो एक अल्लाह ताला की गैबी मदद है पाकिस्तान को, इसको कभी शिकस्त नहीं हो सकती। दौलत हर चीज खरीद सकती है मेरे भाइयों, लेकिन एक आंसू नहीं खरीद सकती, एक मुस्कुराहट नहीं खरीद सकती। हम पीसफुल लोग हैं, हमारे इस्लाम पीसफुल है, हम किसी भी तरह की आप लोगों से लड़ाई नहीं चाहते। पैसा नहीं है, नोटू नहीं है, कहाँ से एक्शन देखते जितने खुश थे बोले 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई, एक टेस्ट में धुलाई की उसके बाद बोल रहे नहीं भाई वापस चले जाओ, दूसरे टेस्ट में भी हार गए उनसे। 17 साल पहले हुआ कुछ इस तरह से कि मलका बरतानिया भी तशरीफ लाई जब पिछली दफा ये लोग टेस्ट खेलने के लिए आए, रावलपिंडी में टेस्ट था मुझे याद है, ऑडियंस से ज्यादा पुलिस वाले आए हुए थे, मलका बरतानिया विराजमान थी चीफ गेस्ट की कुर्सी पर, मलका बरतानिया अब तो हयात नहीं है, क्वीन एलिजाबेथ डोम वो बैठी हुई थी कि अचानक मुझे किसी ने बताया मुबैया तौर पर कि वेटर आए और वेटर ने सामने सारी बातें खाने की चीजें पेश की, फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने केचप का मुतालबा किया या केचप उनको ऑफर की गई। अब वो केचप जो है ना ऐसे करके निकालना वेटर, मलका बरतानिया नाराज हो गए, यकीन करें ये मैं आपको बता रहा हूँ बात जो मैंने सुनी है मुबैया तौर पर, ये तो यार आप लोग करते हो, फिर बोलते हो हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आता, के सब तुम लोगों से निकलती नहीं है और बोल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर बुलाएंगे। यार फिर मुझे असल में सुबह से भरा हुआ आता हूँ मैं, यकीन करो यहाँ तक आया हूँ सड़क पे, गाड़ी चलाता हुआ भगाता हुआ, एक मुस्कुराता चेहरा नहीं दिखा। मेरे दिल में ये था कि मेरे रब आज मैं कोई मुस्कुराता चेहरा देख लूँ, यहाँ कुरंगी के पुल पे आया क्या देखता हूँ उल्टी स्टंप से, अल्लाह ताला दुआ सुनता है यकीन करो, दिल की आवाज सुनता है, सामने से एक पागल आ रहा हंसता मुस्कुराता हुआ नाचता हुआ। मैंने कहा यार ये सारे कमाऊ अरबोंपति इनकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर ये सारी आवाम इसकी कोई अहमियत नहीं, जिसके शक्ल पे मुस्कुराहट ना हो भले उसकी जिंदगी में क्या है। मैंने कहा ये गरीब पागल हम सबसे खुशहाल है, मैं भी परेशान, लोग भी परेशान, महंगाई की वजह से, टेंशनों की वजह से, और एक ये पागल जा रहा है नाचता हंसता मुस्कुराता। सच कहा, दौलत हर चीज खरीद सकती है मेरे भाइयों, लेकिन एक आंसू नहीं खरीद सकती, एक मुस्कुराहट नहीं खरीद सकती। बस मैं समझ गया कि इस खुशी की अहमियत उसको पता है जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, जो बेचारा गमगीन है उसको क्या पता। पूरा मुल्क यकीन करो ये टेंशन में, एक मुनफरिद मुल्क, सुबह में रोज
ऑफिस सिवाय उजड़े हुए परेशान चेहरों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। जिंदगी की लज्जत छिन जाती है और परेशान हो जाता हूँ। पहले ही आपको पता है महंगाई हुकूमत ने इतनी बढ़ा दी है भाई कि समझ नहीं आती कि बंदा जाए तो कहां जाए, अपने बाल नोच ले। यकीन करो लोग अपनी बीवियों के डांट के डर से घर नहीं जाते। ये चला जाता टाइम से, इजाज ऐसे ही परेशान हो रहा है, लेकिन लोग चले जाते हैं घर परेशानी में, लोगों से जाकर डांटे खाते क्योंकि महंगा पैसा नहीं है, नोटू नहीं है, कहां से पूरा करें। घर वालों के ताने तृष्णे